सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो भेड़साल है, और लड़कियों को तो खैर वैसे भी गाइडेंस नहीं किया जाता, और किया भी जाता है तो ऐसा है कि जैसे पढ़ लेती हैं लड़कियाँ, जैसे जॉब नहीं लगती, वही गवर्नमेंट का जो ढांचा थोड़ा वैसा हो रहा है, प्रोफेशनल की तरफ फोकस नहीं है लोगों का, सबको ये लगता है कि भाई जॉब तो वैसे भी है नहीं, और लड़कियों को तो चूल्हा वगैरह का काम करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप क्रांति बन के और फरिश्ता बन के हमारे नगर में आए हैं, और लड़कियों को भी मैं कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने कर्म में विश्वास करना है थोड़ा सा, मतलब हमको एक अवेयर बनना है, और हम भी इस मतलब पिछड़े इलाके से ही, मैं भी इसी इलाके से बिलोंग करती हूँ, मैंने बीएड करने के बाद एलएलबी की है। तो लास्ट में यही कहूँगी कि अपनी ज़मीन अपना आसमान पैदा कर, अपने सुकर्मों से नया इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती ऐ ना समझ, अपने हर कर्म में विश्वास पैदा कर, अपने हर कर्म में विश्वास पैदा कर। और ना अभी सुनने को मिलेगा आपको, हम माँ गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, जो हमें सरकार से, हमारे शिक्षाविद भी बैठे हुए हैं, जो CSR फंड मिलता है, हम आपकी 100% फीस भरने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार कम से कम बताएं। आपके कैंपस से लेकर बिजली, पानी, रूम, 3 टाइम का खाना, नाश्ता, प्लेग्राउंड, एक्टिविटी, इन सब के सिर्फ आपको हॉस्टल में 200 रुपए पर डे के हिसाब से 6000 पर मंथ अपनी खाने पीने की रकम जमा करा कर पढ़ना है, वो भी आपको कॉलेज में जमा करानी है, किसी अजय, किसी मुस्तकीम सर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1 चौवन्नी देने की जरूरत नहीं है। इस मिशन पर हम काम करना चाहते हैं, तभी कह रहा था कि हम अपने मिशन एजुकेशन क्रांति को डोर टू डोर पहुंचाना चाहते हैं। काली स्कॉलरशिप आपकी खुद की होगी और खुद के अकाउंट होगी, उसके लिए हम बिल्कुल एक बार बिल्कुल आईने की तरह साफ पहुंच सकते हैं। आप जाइए, जो 12वीं पास बच्चे हैं उनको बताइए कि आप पढ़िए और ऐसे कोर्स कीजिए, छोटा कोर्स मत कीजिए, छोटे में पढ़ते वाला आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आना, मैं आपको कहूँ कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बीए करो, क्या पढ़ता रहा है, 8-10 हजार रुपए में बीए यहीं से कर लो, आप 72 हजार रुपए 70 हजार रुपए क्यों खाने पीने का खर्च करो। वहां पर जाइए जहां 1.5 लाख की फीस लगती है, वहां पर जाइए जहां 1.25 लाख रुपए की फीस जाती है, वहां पर जाइए 2.5 लाख रुपए की फीस है, उसको हम आप भरकर आपको रिसिप्ट दिलाने, और उनको भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब मौसम सर से टाई अप हो जाता है हमारा शिक्षक पद के साथ में, इनको हम यहाँ पर कमांडर बनाना चाहते हैं, नीचे फौज रहेगी, समझ रहे हो आपको, तो उसके साथ में हम 20-25 बच्चों को अभी और एक ऐसी सैलरी भी देना चाहते हैं आपको कि जिससे आपके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो जाए। अच्छे से हो जाए का मतलब ये है, प्लस टू के बाद और टेंथ के बाद जितने कोर्स बताए शायद ही कोई बताएगा आपको, और ना ही आपने कभी सुने होंगे, इतने बढ़िया कोर्स बताए। मैं समझता हूँ आप खुद करें या खुद नहीं कर सकते तो अपने पड़ोस में रहने वाले जितने भी हैं बच्चे जो पढ़ रहे हैं, चाहे बहन हो चाहे भैया हो, उसको बताएं और बता करके इन कोर्सों में ज़रूर एडमिशन करवाएं। इससे बढ़िया आपको कहीं गाइडेंस नहीं मिलेगी जितनी बेहतर यहाँ गाइडेंस दी है। मैं तो कहता हूँ ये गवर्नमेंट स्कूलों में भी जाकर जहाँ 10th और 12th चल रही क्लासेज वहाँ जाकर बच्चों को बताएं, तो मुझे ये आशा है 100% बच्चे इनके पास जरूर आएंगे। मैंने भी एजुकेशन से हूँ, मैं लेक्चरर से रिटायरमेंट हूँ, और मैंने भी बीए वही बेचाल जिसे कहते हैं, मैंने भी बीए किया, फिर डबल एनए कर लिया, फिर लॉ कर ली, अब एजुकेशन से रिटायरमेंट के बाद मैंने लॉ कर रखी थी तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए शुरू में यदि बीए करने के बाद या लॉ करने के बाद शुरू में कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, उससे उसको ज़्यादा फायदे मिलेंगे, आगे जाके अच्छे उसको जॉब मिल सकते हैं। अब बाद में जाकर के बस अपना टाइम पास करना है, अब इस समय लॉ में वो दम नहीं रहा, आजकल दलाल ज़्यादा हो गए हैं, वो दम नहीं है प्रैक्टिस में। बेहतर ये है कि पहले से ही कोई करे और वो आगे मजिस्ट्रेट वगैरह की तैयारी करें, RGS वगैरह की तैयारी करें, उनमें ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं फिर सर को दोबारा फिर धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा कोर्स बताया, शायद कोई बताएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।